दक्कन ब्लास्टर्स की जानिब से सवां हैदराबाद मेगा जॉब मेला 16 अक्टूबर को टोली चौकी में वाक़े गोल्डन पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक़िद होगा। इस जॉब मेले के सिलसिले की शुरुआत करने वाले जवांसाल इंजीनियर मोहम्मद मन्नान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह ऐलान किया है। कोरोना वबा ने जहां लाखों नौजवानों के रोज़गार छीन लिए, वहीं खालिक़ कायनात ने मन्नान खान जैसे दर्दमंद को पैदा कर दिया। चुनांचे मन्नान खान ने बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिलाने का ज़िम्मा उठा लिया। शुरू में 10 कंपनियों को एतमाद में लेकर जॉब मेला किया, जहां 25 बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिला। अब सवें मेगा जॉब मेले में तकरीबन 70 कंपनियों की शिरकत मुतवक्को है। इस जॉब मेले में 10वीं पास से लेकर आला तालीम याफ्ता मर्द ख्वातीन मुतअद्दिद बायोडेटा के साथ तशरीफ़ ला सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजिंग डायरेक्टर MMR बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सैफुल्ला खान, सीनियर BRS लीडर शेख फरीद, समाजी जहदकार व MD AMR इंफ्रास्ट्रक्चर्स मुकर्रम अली सिद्दीकी, डायरेक्टर स्टार लिविंग रोहित पटवारी, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर के सैयद राशिद अली भी मौजूद थे। सवें जॉब मेले के मुआविन कैफे 555 के मालिक अली रजा ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस वक्त जो है इस मौके पे आया हूँ कि मन्नान साहब जो है हमारे बुलाए हैं, और बहुत हमेशा जो है मन्नान साहब हमेशा हमारे व्हाट्सएप में भिजाते रहते कि हमारा जो है हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये आज के दौर में इस मुझे परेशानियों में कोई इतना भाग दौड़ नहीं करते। ये मन्नान साहब का जो है वालदा और वालिद का दुआ है, और इंशाल्लाह जो है अल्लाह उनको कामयाब करे, और इंशाल्लाह ये लोगों को जो है बहुत जॉब्स मिला है। और इंशाल्लाह 16 अक्टूबर मंडे के दिन यही मुकाम में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है, और इंशाल्लाह स्पॉट पे जो है उनके ऑफ़र लेटर भी मिल जाते हैं। 10th क्लास से लेके कौन से भी एजुकेशन से लोग जो पढ़े चुके हैं तो उनके एजुकेशन रिव्यू लाइए, इंशाल्लाह उनको जॉब मिल जाएगा। ये सब अल्लाह की तरफ से है, जिसको अल्लाह तौफीक देता वही बंदा काम करता। तो अल्लाह जो है हम सबको जो है अभी तौफीक दिए कि हम यहाँ बैठ के कुछ हम जो है आगे बढ़ा रहे काम के लिए। अल्लाह जो है हमारे सबको साथ लेना है और ये काम को आगे बढ़ा के रहना है इंशाल्लाह।